एक ये क्वेश्चन ये इस तरह से है कि इसमें तीन आइडिया हमको इस क्वेश्चन में मिलेंगे जो अब तक हम लोग केवल डिस्कस किए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो लिए गए थे उसमें उस तरह की बात आई नहीं थी। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुआ करता था, अब यदि वन से ग्रेटर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो तब उसके लिए हम क्या करेंगे वो इस क्वेश्चन में आएगा। दूसरी बात इस क्वेश्चन में आएगा कि यदि हमारा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम वन लेते हैं वो इसमें वन नहीं है, तो इन दोनों स्थितियों में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या मेथड एडॉप्ट करेंगे। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग जान जाएंगे तो जो होमोजीनियस इक्वेशन में है जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के वो इन्हीं मेथड पे है, प्रॉब्लम बदल जाएंगे लेकिन आइडिया हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले अब क्या परिस्थितियां आने वाली है वो तो क्वेश्चन ही बताएगा, लेकिन पहले जो हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने का प्रोसीजर है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या है कि पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं द एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, तो ये फर्स्ट रो एक्स है तो यह फोर सिक्स टू फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड में वाई का टू थ्री और वन ऐसा आ गया, इसके बाद से जेड का तो यह वन फोर और इसमें हमारा जेड का नहीं है तो इसको जीरो जेड समझ सकते हैं, तो ये हमारा जीरो और यहाँ से यह थ्री फिर सेवन प्लस यह वन और वन, ये हमने कोफिशियंट मैट्रिक्स ले लिया। अब कोफिशियंट मैट्रिक्स के बाद दूसरे में जो अननोन्स है तो फर्स्ट पे है एक्स, दूसरे पर है वाई, तीसरे में है जेड और फोर्थ पे है यू, इसमें फोर वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू को हमको डिटरमिन करना है, और जो दूसरा साइड है वो तीन इक्वेशन है, तो पहले में जीरो दूसरे में जीरो तीसरे में जीरो, तो इसको हम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसके रैंक को निकालते हैं, और जब इसका रैंक जो वन अनोन है उसके इक्वल आ जाएगा तो इसका जीरो सोल्यूशन, और यदि रैंक हमारा वन अनोन से लेस आवे तब हमारे उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, और उसमें कितने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अनोन से जिसको यन से डिनोट करते हैं उसमें उसके रैंक से सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो वैल्यू आती है उतने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमको मिलते हैं। तो अब उस वर्क को करने के लिए सबसे पहले हमको रैंक निकालना पड़ेगा, तो कोई भी क्वेश्चन जब रहता है तो उसको सॉल्व करने का पहला मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना, सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि इसका रैंक निकालते हैं, और रैंक निकालने का क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम यूनिट वन बनाते हैं, और ये और वन बनाने के पीछे रीजन क्या है कि इसको भी जीरो करना होता है तो वन रहेगा तो जो वैल्यू है उसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो इक्वल आ जाता है, यही हमारा पर्पज है, लेकिन यह हमारा वन नहीं है फोर है। अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ये पहला क्वेश्चन है जब हमारा ये वन नहीं आया है, यदि ये हमारा ऐसा भी नंबर वन नहीं भी होता और ऐसा नंबर होता कि जिसमें मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करते और दूसरी वैल्यू आ जाता और तीसरी वैल्यू आ जाता तो भी हम उसको वन नहीं बनाते वो नंबर, यानी इसको दो तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों में जो भी आपको करना होगा उसका यूज कर सकते हो। पहला तो ये कि जो ये टू है यानी जो यह रो है यह रो यदि फर्स्ट रो पे आ जाए और जो ये थर्ड फर्स्ट रो है वो इसके जगह आ जाए, यदि ये दोनों इंटरचेंज कर दिए जाए तो भी आपका टू यहाँ आ जाएगा, तो टू यहाँ आ जाएगा तो सिक्स टू में थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा,
और जो ये फोर है उसमें भी टू से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि इस रो को यानी थर्ड रो को फर्स्ट प्लेस पे और फर्स्ट रो को हम थर्ड में इंटरचेंज कर दें, एक से स्थिति है। तो दो तरीके हैं, या तो इस रो को थर्ड रो को आप फर्स्ट रो में चेंज करो और फर्स्ट रो को थर्ड में, तो भी जब इस पे टू आ जाएगा तो टू में थ्री से मल्टीप्लाई करने पर ये सिक्स आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करने पर फोर आ जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस फर्स्ट हमारा यूज है। सेकंड आपका ये भी है कि जैसे आपका ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम यदि फर्स्ट कॉलम पे आ जाए और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम पे आ जाए तो भी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन मिल जाएगा। तो इन दोनों में जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन इसको जो एक दूसरे से इंटरचेंज करना है उसको इंटरचेंज करने के कुछ रूल्स हैं। तो रूल क्या है कि यदि रो को रो से रिप्लेस करोगे तो इससे तुम्हारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन को यदि फर्स्ट पे कर दो और फर्स्ट वाले को थर्ड पे, तो भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो यदि हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यदि कॉलम को चेंज करेंगे तो चेंज आ जाएगा। क्या है कि यदि तुम इस कॉलम को यहाँ लाओ, जैसे हमारा 140 इसको यदि यहाँ ला दें और 462 को यहाँ ला दें, तब आप देखोगे कि 462 जब यहाँ आएगा तो जेड का कोफिशियंट होगा और ये जो आएगा फर्स्ट पे तो फर्स्ट हमारा एक्स का कोफिशियंट है, तब हमारा परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक्स का कोफिशियंट 140 करेंगे और जेड का कोफिशियंट 462 करेंगे तब इक्वेशन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए जब कॉलम को चेंज करते हैं तो जिस कॉलम को चेंज करेंगे उसके ऑन नोन को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये थर्ड को यदि हम फर्स्ट पे लाए और फर्स्ट को थर्ड पे लाए, तो जो इसका कोफिशियंट है एक्स, एक्स को भी थर्ड पे लाना पड़ेगा और जो जेड थर्ड है उसको फर्स्ट पे लाना पड़ेगा। और ऐसा करोगे तब इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अब सपोज कर लो कि यदि यहाँ आ गया तब यहाँ तुम्हारा जब ये फर्स्ट वाला यहाँ आया तो जो ये एक्स आपका फर्स्ट पे आया वो अब थर्ड पे आएगा, तो जब थर्ड पे आएगा तब उसका फिर प्रोडक्ट करोगे तो वही वैल्यू आएगी। यानी ये जो आया ये यदि यहाँ आएगा तो इस जेड के सहित आएगा तब कोई परिवर्तन, ठीक है, और ये यहाँ जाए तो एक्स के सहित जाए तब कोई परिवर्तन। तो इसलिए हमको यह ध्यान रखना है कि दोनों मेथड में किसी का यूज कर सकते हो, लेकिन रो को इंटरचेंज करने से, जब रो को इंटरचेंज करोगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये इक्वेशन इस प्लेस पे और ये, तो हमारा इक्वेशन वही रहे, कोफिशिएंट वही रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं। तो रो को चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि कॉलम को चेंज करेंगे तो कॉलम को चेंज करेंगे तो जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसके वेरिएबल को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये वर्ड तो सपोज कर लो हम कॉलम वाले को ही कर रहे हैं, तो कॉलम वाले को करेंगे, वैसे आप इसको भी कर सकते हो लेकिन दोनों में एक ही मेथड को करेंगे। तो कॉलम को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल चेंज करना पड़ रहा है, तो चेंज करने वाले को कैसे करेंगे वो समझ लो, तो इसको तो चेंज करने में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे टू मेक ए वन वन, ए वन वन मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल टू वन, वी चेंज सी वन टू सी थ्री। ये जो सी वन मीन्स कॉलम वन और सी थ्री मीन्स कॉलम थ्री, इसको इंटरचेंज करेंगे टू मेक ए वन वन, ए वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल टू वन, वी चेंज सी वन यानी कॉलम वन टू सी थ्री कॉलम थ्री, वी हैव
वी है तभी आया, यहां से 1, 4, 0 एक कॉलम थर्ड हमारा फर्स्ट पे आ गया, सेकंड में कोई चेंज नहीं, 2, 3, 1 और इसकी जगह आ गया 4 और यह 6 और यह 2 और इसमें कोई चेंज नहीं, 3, 7 और 1 ऐसा आ गया। तो जब कॉलम को चेंज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी चेंज हो जाएगी। तो अब एक्स जेड की जगह आएगा, जेड एक्स की जगह, तो यह जेड, वाई में कोई चेंज नहीं, अब यह एक्स और यह यू। अब देखो यदि ऐसा रहेगा तब आपका इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप इसको करके देख लेना जैसे इसी का किया गया। तो देखो अब 1z, तो ये आपका 1z है, 2y, ये 2y है, 4x, ये 4x है, और 3u, यदि वैसे दूसरे को करोगे तो 4z, तो z में आपका 4z ही है, 3y, ये 3y है, 6x, ये 6x ही है, और उसके बाद से 7u। तो इस तरह से हमारा अब जो ये इक्वेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमने कर लिया, लेकिन ये चेंज किया क्यों? क्योंकि हमको रैंक निकालते समय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूनिट बनाना होता है। तो यूनिट बनाओ या ऐसा नंबर हो जिसमें किसी टीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू भी मिल जाए, यह वैल्यू भी मिल जाए। तो यहाँ हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको 0 बनाएंगे। तो जब ये 1 आ गया तो 0 बनाएंगे, तो इसका मतलब R2 को लिखो R2 - 4R1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी अब यहां से पहले को वैसे रखो 1, 2, 4, 3 ऐसा आ गया। अब इसको लिखना है क्या, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 4, अब 4 से सब्ट्रैक्ट तो 0, इसको 0 बनाने के लिए तो किया जा रहा है, तो इसमें 4 से किया तो 4 का इसमें भी मल्टीप्लीकेशन, तो 8, तो 3 - 8 - 5 - 5, फिर यहाँ से 4 का इसमें भी मल्टीप्लीकेशन तो 16, तो 6 - 16 - 10, और यहाँ से 12, तो 7 - 12 - 5 ऐसा भी। अब इसके बाद से ये ऑलरेडी 0 है तो एक वर्ग आपका ये भी बच गया, ये आपका 0 है, ये 1 है, यह 2 है और यह 1 है, ऐसा हमने कर लिया। और तब यह है जेड, वाई, एक्स और यू इस फार में आए, और ये दूसरा साइड 0, 0, 0 ऐसा हमको मिल गया। इस तरह से हमको मिल गया। तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी जिसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिट आया, सेकंड में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को 0 बनाना तो 0 आ गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी 0 है, नहीं होता तो उसको भी बनाना पड़ता, तो ये ऑलरेडी है। अब इसमें 1, 0 है तो इसमें इससे 1 अधिक 0 चाहिए, तो 1 अधिक 0 चाहिए तो क्या कर लो, इसको 0 बनाओ। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +5 और ये -5, तो ऐड कर दो तो हमको मिल जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, जो इसके आगे लिख लो, ये हमारा R2 जो आया है, R2 वो R2 - 4R1, ये जो R2 आया है वो आपका R2 में से 4R1 को सब्ट्रैक्ट करने पर आया। अब यहाँ से ये वर्क हमारा हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में इसको भी 0 लाएंगे, तो इसको 0 लाने के लिए ये 2 को कोई चेंज नहीं करना है, इसको जो इससे 1 अधिक 0 बनाना है तो 1 0 वाले से ही इक्वल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें R3 + 5R3 = 5R3 + R ऐसा करें। तब इसके आगे का देखो,
इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 5 जीरो और प्लस जीरो ये जीरो ही आया। इसमें 5 से करोगे तो 5 और माइनस 5 ये जीरो हो गया, और इसमें 5 से तो यह 10 तो ये भी हमारा जीरो हो गया, और यहाँ से 5 तो ये भी हमारा। एक को ही हमको जीरो करना था केवल इसको, तो इसको करने पे वैल्यू जैसी थी कि वो सब जीरो हो गए। इसलिए अब हम ये जो वर्क है कि सेकेंड रो में 1 0 बनाना है और उसके बाद 2 0 बनाना है, तो 2 ही हमने बनाया, लेकिन इसको बनाने में शेष 0 ऑटोमेटिकली हो गए हैं, तो ये आ गया। अब इसके बाद से यहाँ से यह जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स यू और ये साइड आपका 0 0 0 ऐसा आ गया, तो ये वर्क कर लिया गया। अब आप क्या कर लो कि रैंक किसका निकल आया, तो रैंक में क्या हुआ कि इसके 2 रो हैं जो नॉन जीरो हैं, इसलिए हमारा जो इसका रैंक हुआ वो 2 हुआ, रैंक 2 हुआ। तो कोफिशियंट मैट्रिक्स, कोफिशियंट मैट्रिक्स हैज 2 नॉन जीरो रोज, देयरफॉर रैंक आर इज इक्वल टू 2। पॉलीनोमियल्स अननोन्स n इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड यू, ये हमारे 4 अननोन्स हैं, तो ये 4 तो इनडिपेंडेंट सम्मेशन, देयरफॉर इनडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन माइनस आर, दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आप देखो जब हमारा रैंक और अननोन्स दोनों इक्वल आते हैं तब 0 सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन यहाँ हमारा रैंक जो है वो अननोन से लेस है, इसलिए 0 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब 0 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको कब मिलता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में के था, तो के की वैल्यू को यानी एक्स वाई जेड सब के टर्म में आया था, 1 वेरिएबल के टर्म में। अब यहाँ हमारा 2 ए जो वेरिएबल आएंगे, जो हमारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे वो 1 नहीं है, 2 क्यों 2 आया, क्योंकि एन माइनस आर में हमारा एन 4 है और आर 2 है, तो इसलिए हमारे 2 अननोन सॉल्यूशन आए। अब थोड़ा सा यहाँ और समझेंगे कि 1 जो हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था तो उसको तो हम सभी को एक्स वाई जेड को के फार्म में लिख लिए थे, अब यहाँ 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है तो इसका नेचर कैसे मिलता है, कैसे हमको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलता है, तो उस वर्क को देखने के लिए आप देखिए कैसे करते हैं इसको। तो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके इक्वेशन के फार्म में लिखो, तब यह 1 जेड यह 2 वाई और यह 4 एक्स और प्लस 3 यू इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में ये 0 आ गया तो 0 को छोड़ दो, फिर यहां से माइनस 5 वाई माइनस 5 वाई माइनस 10 जेड माइनस 5 यू 10 एक्स और माइनस 5 यू इक्वल टू 0। देखो माइनस 5 से सब में डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो यह वाई प्लस 2 एक्स और प्लस यू
इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया, ये हमारा टू हुआ। अब जो पीछे वर्क हम लोग किए हैं उसमें क्या है कि देखते हैं कि किस में हमारे कौन अननोन्स किस इक्वेशन में आया है, उसी में एक की पहले दूसरे के टर्म में लिखो। तब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे चार वेरिएबल्स हैं और यहाँ हमारा केवल थ्री है, तो इसमें से एक की वैल्यू को निकालो। तो फ्रॉम टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और माइनस यू, ऐसा है। अब आप देखो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें किसी की वैल्यू एक ही के टर्म में आता था, चाहे हमारा जेड के टर्म में आया, पिछला क्वेश्चन जेड के टर्म में आया था, तो एक्स की भी वैल्यू जेड के टर्म में आया था, वाई की वैल्यू भी जेड के टर्म में आया, लेकिन ये वाई अब केवल एक के टर्म में नहीं आया है, वो हमारे दो के। तो वही जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो हम टू कहते हैं कि अब वो वैल्यू टू हमारे वेरिएबल्स के टर्म में एक की वैल्यू आएगा। तो वाई की वैल्यू एक्स और यू के टर्म में हम लिख लिए। अब क्या करो कि अब y की वैल्यू तो x और u के टर्म में लिख लिया, अब देखो तुम्हारा z की वैल्यू नहीं निकला है क्योंकि तो y में तो x और u दो आ गया, लेकिन z की वैल्यू नहीं निकला, तो z की वैल्यू निकालो। तब z की वैल्यू निकालने के लिए अब जिसमें z आया हो तो z हमारा इक्वेशन वन में आया है, तो z की वैल्यू भी इन्हीं दोनों के टर्म में लिखना है। इसका मतलब y की वैल्यू इतना रख दोगे तो y की प्लस हो जाएगा और z हमारा x और u के टर्म में आ गया। तब आप क्या कर लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में वैल्यू रखो तो ये आया हमारा z और प्लस y, तो यहां से प्लस टू वाई की वैल्यू माइनस टू एक्स और माइनस यू, ये आ गया। अब y और u, x और u के टर्म में तो लिखना है, तो इसको वैसे रहने दो, 4x और प्लस 3u इज इक्वल टू जीरो। अब यह z, देखो ये माइनस 4x माइनस 2u प्लस 4x प्लस 3u इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2u और प्लस 3u यानी प्लस u बचेगा, उसको दूसरे साइड में ले जाओगे तो यह z की वैल्यू माइनस u इस फार में आ गया। अब आप देखो यहाँ ये ऑक्केजनल है कि ये 4 और ये 4 इक्वल आ गया, नहीं तो यदि ये इक्वल नहीं होता तो इसमें x भी आता, यानी यह z की वैल्यू 0x माइनस 2u इस फार में आया। तो हम क्या देखें कि इसमें जो y की वैल्यू है वो x और u के टर्म में आया और जो z है वो भी हमारा x और u के टर्म में आया, लेकिन यहाँ x हमारा 0x हो गया और u आ गया। तो अब हमने यहाँ देखा कि ये जो भी वेरिएबल्स हैं उनका दो इंडिपेंडेंट के टर्म में वैल्यू आ रहा है, y की भी दो के टर्म है और z का भी दो के टर्म में। तो y की वैल्यू जिन दो के टर्म में आया है, तो चूंकि हमको वैल्यू तो x का भी निकालना है u को भी निकालना है, तब इन दोनों का हमको सपोज करना पड़ेगा। तब हम यहां से लिए कि लेट अब दो वेरिएबल्स के जिसके जिसके टर्म में आया x इज इक्वल टू के वन और दो वेरिएबल और u इज इक्वल टू एंड u इज इक्वल टू के टू। अब ये तुमको मानना है तो तुम कुछ भी मान सकते हो, डिफरेंट बुक में नोटेशन डिफरेंट रहेगा, आपको बस ये समझना है कि ये जिन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में आया है उसको हमने सपोज कर लिया के वन और के टू। तब यह y की वैल्यू माइनस टू के वन माइनस टू के वन और माइनस के टू और यह z की वैल्यू माइनस के टू। तो आप देखो x y z और u चारों की वैल्यू निकाल ली गई है,
क्योंकि चार रन फोर रन अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमको यक्स की भी वैल्यू चाहिए, यू की भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि अनमोल वो भी है, उसका भी सोल्यूशन निकालना है। इसलिए इन्हीं को जो वाई और जेड जिसके जिसके टर्म में आया है उसको हमको सपोज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यदि तुम केवल एक्स की वैल्यू सपोज कर लो तो उतने से यू की वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इसलिए तुमको एक्स को भी सपोज करना पड़ेगा, यू को भी सपोज करना पड़ेगा। यही हमारा अभिप्राय है कि कितने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे। जब हमारा वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेगा तो जो वन नोन रहेगा वो केवल एक के टर्म में सबकी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जब टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा तो प्रत्येक की वैल्यू में हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। तब आप यहाँ देखो तो यह एक्स एक्स की वैल्यू के वन आ गया, उसके बाद से वाई वाई की वैल्यू माइनस टू के वन माइनस के टू आ गया, जेड की वैल्यू माइनस के टू आ गया और यू की वैल्यू के टू आ गया। तो अब जो चार अननोन्स हैं ये चार अननोन्स की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। अब आप क्या करोगे कि यह के वन के टू ये जो वैल्यू है ये हमारा एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, टू चाहे थ्री चाहे फोर इस तरह का नहीं है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो बदलती तो यदि के वन को मान लो वन, के टू का मान लो जीरो, तब हमारा जो है एक्स वन और यू जीरो, और तब उसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो वाई का आएगा, उसकी वैल्यू को रखोगे तो जेड का, वो हमारा एक सोल्यूशन आए। वैसे अब हम केवल को ले लिए वन वन लिए हैं, अब इसको भी सपोज कर लो वन तो हमारा ये दूसरी वैल्यू आएगा। इस तरह से हम इनफाइनाइट ये हम ये चॉइस कर सकते हैं और तब इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट टाइम। तो हेंस एक्स वाई जेड एंड यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा यह एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें कई कॉन्सेप्ट हमको मिले। पहला हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन नहीं था, तो वन बनाने के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उन दोनों ऑप्शन पे हमने विचार किया। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि अब तक कोई क्वेश्चन हम लोगों ने कभी नहीं किया था जिसमें इंडिपेंडेंट या तो जीरो सोल्यूशन मिलता था और नहीं तो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलता था, तो एक मिलता था, वन मिलता था। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि ये एक से अधिक यानी दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आए, तो अब इस तरह के क्वेश्चन कोई हो इसी फार्म के आपका या तो जीरो सोल्यूशन मिले, नहीं तो वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिले और नहीं तो टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिले, इसी फार्म का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये न्यूमेरिकली वैल्यू बदलता जाएगा, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो एक ही रहेगा। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि इसको जीरो बनाने के लिए उस क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करके किसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको जीरो बनाना है तो किससे, तो वो आइडिया आप समझ गए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ये हम लोग कर लेंगे। एक तरह का और इसमें क्वेश्चन है उसको भी आपको बता दें। अब एक क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और जो अब तक हम लोगों ने किया है उससे डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है। एक बार इसको हम पढ़ते हैं फिर आप देखें क्या हमारा डिफरेंट है अब तक जो किया गया था। सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो सभी हमारे न्यूमेरिकली वैल्यू थे। अब यहाँ एक अननोन वैल्यू यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकालते थे लेकिन उसके अतिरिक्त कोई अननोन नहीं था, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड के अतिरिक्त एक वैल्यू हमारा लैम्डा दिया है। तो कहा जा रहा है कि सो दैट ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन इज सिक्स, यानी ये हमारे तीन इक्वेशन दिए गए हैं और जो ये तीनों इक्वेशन है ये तीनों इक्वेशन का ये लैम्डा की वैल्यू केवल रियल यदि हम लिखे इमेजिनरी ना हो तो केवल वो सिक्स ही होगा जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन देगा वो नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा, यानी नॉन लैम्डा की वैल्यू हम केवल सिक्स रखेंगे तो ही हमारा जो यह इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जीरो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन ना मिले। तो इसके लिए देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे क्या,
तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला वर्क तो ये करो कि इसको होमोजीनियस के फार्म में बदलो। तो होमोजीनियस में क्या है कि एक्स यहाँ भी है और यक्स यहाँ भी है, तो यदि इस यक्स को इधर लाओ तो हमारा ये एक्स एक पास हो जाएगा और यह वाई और यह जेड और ये साइड जीरो हो जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस के लिए हमको दूसरा साइड जीरो होना चाहिए। तो इसको यक्स यहाँ आया है टू टाइम्स, या वाई टू टाइम्स और या जेड टू टाइम्स, इनको एक पास कलेक्ट कर लो। तो अब इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तो ये इधर आएगा तो वन माइनस लैम्डा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसके पास इसमें थ्री एक्स, अब ये वाई टू टाइम्स है तो वन माइनस लैम्डा वाई और प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहां करोगे तो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू जीरो, ऐसा है। तो अब इसी इक्वेशन को एक्स टू टाइम था, दूसरे में वाई टू टाइम्स था, जेड टू टाइम्स था, तो उनको एक पास कनेक्ट कर लिया और एक वेरिएबल एक पास कर लिया। तब हमारा अब जो इक्वेशन आया वो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, अभी होमोजीनियस इक्वेशन आ गया। तो अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको उसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो एबव इक्वेशन, एबव होमोजीनियस इक्वेशन इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, तब आपका वन माइनस लैम्डा एक्स का कोफिशियंट थ्री और टू, ऐसा है। अब इसके बाद यह टू वाई वन माइनस लैम्डा और यह थ्री, और यहां से थ्री और यह टू और यह वन माइनस लैम्डा, फिर यह एक्स वाई जेड और इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, ये वर्क हम पहले भी करते, तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको देखो इसके बाद ही थोड़ा सा आपको विचार करना है, कहा जा रहा कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले तो लैम्डा की रियल वैल्यू केवल सिक्स होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना ऐसा नहीं करना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि इसके जीरो सॉल्यूशन न मिले, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले तो लैम्डा की रियल वैल्यू केवल सिक्स होगा, ये सिर्फ दिखाना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा ये नहीं पूछा जा रहा है। तो अब इस चीज को कैसे हम करेंगे, तब आप देखो हम करते क्या है कि सॉल्यूशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि यदि अननोन्स की वैल्यू जिसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं और रैंक निकाले तो वह रैंक जब दोनों इक्वल हो जाए तब उसका जीरो सॉल्यूशन, और दोनों इक्वल ना हो यानी रैंक लेस हो जाए तब हमारा जीरो सॉल्यूशन नहीं देगा, तब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। यानी इससे आपको क्या मिला, इससे आपको यह मिला कि जीरो सॉल्यूशन न हो इसलिए इसका जो रैंक होना चाहिए वो रैंक आपका थ्री नहीं होना चाहिए, अननोन्स को दिया है थ्री एक्स वाई जेड अननोन्स है थ्री, अब इसका जो रैंक है वो थ्री यदि हो गया तब तो यह केवल जीरो सॉल्यूशन देगा, और इसका रैंक जब थ्री नहीं होगा थ्री से लेस होगा तब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। यानी यहां से हम ये पाए कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका रैंक अननोन जो थ्री है उससे लेस है, क्लियर है। अब इसका रैंक हमारा थ्री से लेस आवे एक पॉसिबल है, देखो जब हमारा जो रैंक की डिफिनेशन दी गई वो रैंक निकालने का तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है उसका जो मैक्सिमम
आर्डर का जो को फैक्टर हो, यदि वो जो नॉन जीरो हो वही उसका रैंक अलग है। इसका मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट है थ्री क्रॉस थ्री का है तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, यदि वो डिटर्मिनेंट आपको जीरो दे देगा, यदि वो डिटर्मिनेंट आपको जीरो दे देगा तब इसका रैंक थ्री नहीं हो, तब उसका रैंक थ्री से लेस हो। और यदि वह डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा ये नॉन जीरो आ जाए तब इसका रैंक हो जाएगा थ्री। क्लियर है? क्योंकि रैंक किसी का क्या होता है निकालना अलग की बात, जो डिफिनेशन है वो क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया गया उसका हम मैक्सिमम जितने आर्डर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो पाते हैं वही उसका रैंक होता है। तो ये हमारा थ्री क्रॉस थ्री का है, तो यदि थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट यदि यह नॉन जीरो हो जाए तब इसका रैंक थ्री हो जाएगा, और जब रैंक थ्री हो जाएगा तो वन वन के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब तब उसका जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यह जीरो सोल्यूशन न हो इसलिए इसका रैंक थ्री नहीं होना चाहिए, और रैंक थ्री न हो इसके लिए थ्री क्रॉस थ्री का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाए, क्योंकि जब वो जीरो हो जाए तब उसका रैंक उससे कम होगा। क्लियर है? तो अब इस चीज को यानी यहां से हमको मिलेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगा, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गया तब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालो, और वो दिखा दो कि लैम्डा की वैल्यू हमारा केवल सिक्स ही होगा, सिक्स के अतिरिक्त जो होगा वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। तो इस वर्क को देखो, तो सिंस अननोन्स आर थ्री, यानी जिनकी वैल्यू निकालना है जिसमें इक्वेशन है वो आपका एक्स वाई जेड ये थ्री है, तो इक्वेशंस है नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, जो हमारा रैंक है वो थ्री न हो, क्योंकि थ्री हो जाएगा तब इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तो जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा। रैंक ऑफ कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स इज Not rank of coefficient matrix will be not three if determinant 1 minus lambda 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए क्या किया गया, ये कहा गया है कि इसके अननोन 3 है, तो इसका जीरो सॉल्यूशन तभी नहीं होगा जब इसका रैंक जो है वो 3 से लेस हो, और इसका रैंक 3 से लेस तब होगा जब ये जो हमारा थ्री क्रॉस थ्री का जो मैक्सिमम आर्डर का जो ये डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाए, जब यह जीरो हो जाएगा तो इसका रैंक थ्री नहीं होगा तब इससे लेस होगा, और जब लेस होगा तब जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब ये आ गया, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और तब देखो कि लैम्डा की क्या वैल्यू आती है जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, क्योंकि जब ये जीरो होगा तभी इसका रैंक थ्री नहीं होगा, अदरवाइज नॉन जीरो हो जाए तब तो इसका रैंक थ्री हो जाएगा,
और जब रैंक थ्री हो गया तो अनोन के इक्वल हो गया तो इसका जीरो सोल्यूशन हो जाए। एक तो जैसे हम इस एलिमेंट को लिए इसका कोफैक्टर, फिर इस एलिमेंट को लिए इसका कोफैक्टर, वैसे भी कर सकते हो। और कैलकुलेशन और इजी करने के लिए ये ऐसा है कि यदि जो आपका आर वन है उस आर वन को तुम आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यदि ऐसा रखो तो यह टू प्लस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स माइनस लैम्डा ये हो जाएगा। और इसको भी देखो थ्री प्लस वन तो फोर और प्लस सिक्स माइनस लैम्डा ये भी हो जाएगा। आ इसका भी कम सम करो तो सिक्स माइनस लैम्डा, तो जब सिक्स माइनस लैम्डा तीनों में रहेगा तो कॉमन आ जाएगा और तब सब में वन वन आ जाएगा और तब उसमें से दो को सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर दोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यही वर्क करते हैं। अब आगे का जो वर्क है वो आपको डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का है। अब उसमें कोई मैट्रिक्स के रूल की जरूरत नहीं है, वो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। तब आप क्या कर लो कि लिखो यहां से वी टेक आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वी फाइंड, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि सब इक्वल हो जाए। तो ये डिटर्मिनेंट सिक्स माइनस लैम्डा, इसको भी ऐड करोगे तो सिक्स माइनस लैम्डा यानी आर वन को लिखना है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और यहां से यह सिक्स माइनस लैम्डा ये हो गया। अब यह थ्री है, यह वन माइनस लैम्डा है, यह टू है, यह आपका टू है, यह थ्री है, ये आपका वन माइनस लैम्डा है और इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू है। अब सिक्स माइनस लैम्डा को तुम कॉमन ले तो यह सिक्स माइनस लैम्डा ये बाहर आ गया, तब यह वन 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 और तब यह थ्री वन माइनस लैम्डा टू और यह टू थ्री वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये चूंकि इक्वल है तो यदि यो अभी जीरो बना दो और यो अभी जीरो बना दो तो दो के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको जीरो मिल जाएगा और केवल एक मिल जाएगा तो यो और इनटू इसका को फैक्टर तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करो कि सी वन में से ये सी टू में से सी वन को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो और फिर यहाँ से ये जो वैल्यू है सी थ्री में से इसको भी सी वन करके सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो अब यहां हम लिखते हैं सिक्स माइनस लैम्डा, ये पहले को वैसे रहने दो वन थ्री टू। अब यहां लिखो सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, सी टू को हम लिख रहे हैं सी टू में से सी वन को सब्ट्रैक्ट करके। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसको जीरो बनाना है तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस लैम्डा और माइनस थ्री तो यह माइनस टू और माइनस लैम्डा तो यह माइनस टू माइनस लैम्डा और थ्री माइनस टू तो यह वन, ये मिल गया। फिर अब क्या कर लो यहां भी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी हमने लिखा सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन। सी वन को ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा लैम्डा नहीं, तो यदि दूसरे को करोगे तो टू टाइम्स लैम्डा है और इसमें लैम्डा नहीं है तो एक बार में ही आएगा। तो इस तरह से यह सी थ्री को लिखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो वन माइनस वन ये जीरो और टू माइनस थ्री माइनस वन और वन माइनस लैम्डा और माइनस टू तो ये हमारा माइनस वन और माइनस लैम्डा तो माइनस वन माइनस लैम्डा ये हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब ये सब कुछ इसलिए किया गया कि अब तुम्हारा केवल इसी का प्रोडक्ट जो आएगा वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। सिक्स माइनस लैम्डा ये तो है ही है, इसका सॉल्व करोगे तो यह वन इंटू को फैक्टर, ये को फैक्टर तो यहां से माइनस
प्लस लैम्डा इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया वन प्लस लैम्डा, ये दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस ये माइनस वन तो प्लस वन हो गया इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया। तब आप देखो कि यह सिक्स माइनस लैम्डा और ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक वैल्यू तो आपका सिक्स माइनस लैम्डा हो ही गया, यानी लैम्डा की वैल्यू सिक्स एक जो लाना है वो आ गया। तो अब यहां से देखो सिक्स माइनस लैम्डा, आ इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो ये लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर, और यह टू लैम्डा प्लस वन लैम्डा थ्री लैम्डा, और न्यूमेरिकली वैल्यू ये टू और प्लस वन थ्री, कैलकुलेशन को देख लेना, ए लैम्डा स्क्वायर और फिर ये वन लैम्डा और प्लस टू लैम्डा थ्री लैम्डा, और न्यूमेरिकली वन इंटू टू टू और प्लस वन यहाँ थ्री। तो अब देखो ये दो का प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए इनमें से एक तो डिफिनिटली जीरो होगा। तो इफ सिक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई लैम्डा इक्वल टू सिक्स, एक तो सिक्स आ गया। अब इसमें कहा है कि केवल रियल वैल्यू लैम्डा का सिक्स ही होगा, लेकिन हमारा जीरो ये न हो तो ये भी तो हो सकता है, तब इससे देखो क्या आएगा। तो इफ लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री लैम्डा और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अब इसको सिद्धराचार्य नियम से सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लैम्डा का जो आएगा वो माइनस बी, तो यानी माइनस थ्री और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो नाइन, माइनस फोर ए सी तो ट्वेल्व, और अपान टू ए आ गया। अब आप देख रहे हो कि यह वैल्यू आपका माइनस थ्री और प्लस माइनस ए आपका निगेटिव में अंडर रूट यानी माइनस थ्री आया है, तो इसको लिख सकते हो ये वैल्यू अंडर रूट, तो यह रूट थ्री आई ऐसा आ जाए और अपान टू। अब हमें देख रहे हैं कि लैम्डा की ये जो वैल्यू है वो इमेजिनरी है, यानी जो रियल वैल्यू आया वो हमको केवल सिक्स ही आए, और ये हमको दिखाना था कि केवल लैम्डा की। तो अब यहां लिख रहे विच इज इमेजिनरी वैल्यू, विच इज इमेजिनरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हमारा लैम्डा का इमेजिनरी वैल्यू है, दैट इज रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू सिक्स, केवल सिक्स है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो इसमें क्या किया गया, एक बात को ही आपको ध्यान में रखना था कि जो इक्वेशन था उसको होमोजीनियस बनाया, यानी एक्स वाई जेड एक्स से अधिक प्लेस पे है तो उसको एक पास कलेक्ट करके एक साइड को जीरो करो, ये तो किसी भी इक्वेशन में हम करेंगे। और उसके बाद से जो दूसरा वर्क किया गया वो ये कहा जा रहा है कि इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन हो तो उसका रियल वैल्यू लैम्डा का केवल सिक्स होगा। तब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में वन नॉन थ्री है एक्स वाई जेड, तो जीरो सॉल्यूशन न हो इसलिए रैंक की वैल्यू एन से यानी थ्री से लेस होना चाहिए। तो यानी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का रैंक थ्री न आवे, और रैंक थ्री तभी नहीं होगा कि उसमें जो थ्री क्रॉस थ्री का जो डिटर्मिनेंट हो वो जीरो हो जाए, क्योंकि जब वो नॉन जीरो होगा तब तो रैंक थ्री हो जाएगा, और वो जीरो हो जाएगा तो उससे कम रैंक आएगा, थ्री से कम आएगा, और थ्री से कम आएगा तो जीरो सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए उसके डिटर्मिनेंट को जीरो कर दिया कि उसका रैंक थ्री न रह पाए, और उसको जीरो किया तो लैम्डा की जो रियल वैल्यू आया वो केवल सिक्स है।